बायोलॉजी या इंग्लिश को बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हमने किसी डेढ़ महीने से बात की, जीव विज्ञान के बारे में बात की थी और हमने देखा कि जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, इसको हम एक को तो बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और दूसरे को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। और यही हमने इलेवंथ में पढ़ा था, कुछ चैप्टर तो हमने पढ़े थे जीव विज्ञान के और कुछ चैप्टर हमने पढ़े थे, कुछ चैप्टर तो पढ़े थे हमने प्राणी शास्त्र के और कुछ हमने पढ़े थे वनस्पति विज्ञान के। इसी प्रकार आपका जो बारहवीं का जो सिलेबस है वो बारहवीं का सिलेबस भी ऐसे ही है, आपको 20-22 चैप्टर तो आपको वनस्पति विज्ञान के पढ़ने और 20-22 चैप्टर आपको पढ़ने ये प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र के आपको पढ़ने, ठीक है। अब हमें बायोलॉजी में भी या जीव विज्ञान में भी हमें मोस्ट बात करेंगे उसके बारे में, प्राणी विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे प्राणी विज्ञान का हम एक टॉपिक ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम आज बात करेंगे। आप अपनी बुक में या जो रेफरेंस बुक है उसमें देख लेना चैप्टर संख्या कौन सा है और चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र या ऑक्सीडेटिव सिस्टम। देखो इसके बारे में उत्सर्जन के बारे में हमने पीछे 11th में भी हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, बात क्या की थी हमने पढ़ा होगा या आपको याद भी होगा कि सजीवता के लक्षण हमने पढ़े थे या जीवों के लक्षण या फिर जीवों के ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम उसको कह रहे हैं कि ये जीव है। तो उसमें से हमने 9 या 10 लक्षण हमने पढ़े थे, उस उन लक्षणों में से एक लक्षण ये भी आता है उत्सर्जन, यानी वे जीव जिसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं सजीव बोलेंगे हम उसको। ये सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है उत्सर्जन होना। अब हम बात करें उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है, उत्सर्जन हम कहेंगे किसी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन या परिभाषा मैंने लिखी है प्राणी शरीर में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बढ़ने वाला अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उस उत्सर्जन कहलाती है जो प्राणी का सजीवता का लक्षण होता है। तो परिभाषा मैंने क्या लिखी है आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो परिभाषा में देखो यहाँ पे एक बार लिखा मैंने प्रोटीन उपापचय, क्या लिखा है प्रोटीन उपापचय। अब प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा जिसके बारे में आपको पिछली वाले क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले जो भोजन, अब भोजन क्या होता है जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं भोजन। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है या भोजन के मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो तत्व की अगर हम बात करें उसके बारे में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन लिपिड या वसा साल्ट और वाटर ये सारे के सारे किसका निर्माण करते हैं भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को हम क्या कर रहे हैं इंटेक कर रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे भोजन भोजन में क्या है प्रोटीन की, ठीक है उस प्रोटीन युक्त तो भोजन को हम क्या कर रहे हैं मुख गुहा में रख रहे हैं, मुख गुहा ओरल कैविटी या मुख गुहा में रख रहे हैं और वहां पे क्या होती है चबाने की क्रिया विधि होती है किसके द्वारा दांतों के द्वारा, यहाँ पे दांत के द्वारा क्या होती है चबाने की क्रिया विधि होती है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत दांत के बारे में बता सकते हैं कि मनुष्य में यहाँ पे जो विसर्जन तंत्र वो पढ़ेंगे हम मनुष्य में, ठीक है ना। तो मनुष्य में दांत के द्वारा मुख गुहा में क्या हो रहा है भोजन को चबाने की क्रिया विधि हो रही है जिसकी वजह से जो हमने लार्ज फूड पार्टिकल खाया या बड़ा जो भोजन का बड़ा पीस या टुकड़ा जो हमने खाया है वो क्या हो जाएगी क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उनके बाद ये भोजन कहाँ पे प्रवेश करता है आमाशय में, और आमाशय में क्या होता है भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ पे आमाशय के नीचे मैंने आपको क्या लिखा है साधारण भोजन का पाचन। अब सब साधारण भोजन का पाचन होगा तो ये भोजन आगे किस में प्रवेश करता है आग में प्रवेश करता है, तो आग में क्या होता है जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन है वसा है उनका पाचन कहाँ पे होगा आग में होगा। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल जैसे हम बात किसी कर रहे हैं प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे लिखा ना प्रोटीन उपापचय तो प्रोटीन की बात करें। अब प्रोटीन का पाचन होता है जब आग में तब इसका निर्माण होता है एमिनो अम्ल का निर्माण। एमिनो अम्ल के बारे में हमने पीछे पढ़ा एमिनो अम्ल क्या होते हैं एमिनो अम्ल प्रोटीन के एकलक इकाई होते हैं या छोटे अणु होते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये एमिनो अम्ल का निर्माण होगा अपनी आंत में, अब ये एमिनो अम्ल ब्लड के द्वारा कहां पे जाएंगे एक कोशिका में जाते हैं
जैसे हमें काफी सारे कोशिका में, ठीक है, कोशिका के बारे में भी हमने खूब पढ़ा है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार हमने पढ़े, कोशिका में कोशिकाओं पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंटीबॉडी है, सेंट्रोसोम है, तारककाय है, ये केंद्रक है, केंद्रिका है, गुणसूत्र है, ये सारे हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसको बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति ग्रह भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अनुभव हमें काफी सारा है, कोशिका के कोशिका में जा रहे हैं, वहां पे उनका क्या होता है, उपापचय होता है। जब एंडोप्लाज्म का उपापचय होता है तब क्या होती है, भूरिया, जिसका निर्माण होता है, भूरिया का निर्माण होता है। अब ये भूरिया हमारे लिए क्या होती है, एब्सेस पदार्थ होती है, या अपनी बॉडी में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। अब अपनी बॉडी में कोई उपयोग नहीं है तो अपने लिए क्या भूरिया क्या है, एब्सेस पदार्थ है। तो एब्सेस पदार्थ को क्या निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, प्राणी शरीर में प्रोटीन उपापचय के परिणामस्वरूप बनने वाला एब्सेस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण निर्भर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सोचने की थोड़ी बात समझा, आपको क्या याद रखना है, जो भोजन के रूप में हम प्रोटीन को जो ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्रहण करने के बाद में उनसे जो एब्सेस पदार्थ बनता है, उसको हम शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ये तो हो गया उत्सर्जन के बारे में। अब एक होता है उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। अब उत्सर्जन क्या होता है, इसकी परिभाषा में क्या लिखी है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग। उत्सर्जन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, एब्सेस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, वही है ना। तो उत्सर्जन, उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। हमारे शरीर के वह अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, उस अंग को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग बोलेंगे। यदि हम मानव शरीर की अगर बात करें, मैंने आगे लिखा है मनुष्य शरीर में वक्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं किडनी, किडनी को हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रक। तो किडनी है, तलचा है, आहार है, पेट है, यकृत है, आदि क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ये सारे सारे जो नाम है, चार पांच होते हैं, नाम इन्हें लिखे, वो क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। किसी भी किसी प्रकार का उत्सर्जन करते हैं ये अंग। जैसे कि हम बात करते हैं तलचा, तलचा के द्वारा क्या निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तलचा से पसीना निकल रहा है, पसीना में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ या ऐसे पदार्थ है हमारे शरीर का, तलचा में क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा है किडनी, किडनी के द्वारा यूरिन बाहर निकल रहा है या मूत्र बाहर निकल रहा है, और उसके साथ में क्या निकलती है, यूरिया बाहर निकलती है हमारे शरीर से। तो ये किडनी भी क्या कर रहा है, उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है। इसी प्रकार फेफड़े की अगर हम बात करें, तो फेफड़ों के द्वारा क्या है, CO2 बाहर निकलती है अपने शरीर से। तो CO2 क्या है, एब्सेस की गैस है हमारे शरीर की, क्योंकि फेफड़ा में क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा। यकृत, यकृत की अगर हम बात करें, तो यकृत के माध्यम से जितनी भी सारी जो हमें ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, जैसे हमने टेबलेट लिया है, मेडिसिन ली है, उनका जो डीकम्पोजिशन या जो अर्थ के अंदर लीवर में होता है। इसी प्रकार जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें लीवर क्या होती है, उसका डाइजेस्ट करती है, ठीक है। ये हमारी शरीर क्या होती है, मुख्य उत्सर्जन होती है। अब ये सारे के सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ गया, उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद प्रोटीन को हम बाहर निकाल चुके हैं, एब्सेस पदार्थ को हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अब उस बाहर निकालने में जितने भी सारे जो ऑर्गन काम करें, उस ऑर्गन को तो हम क्या करें, उत्सर्जन अंग बोल दिया, ठीक है। अब मनुष्य शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन होते हैं, आगे से नाम लिखे, किडनी है, त्वचा है, आत्मा है, फेफड़े हैं, यकृत है, एक सारे सारे क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन पदार्थ के बारे में। अब उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, एब्सेस पदार्थ होता है, जिसको हम शरीर से बाहर निकाल दें वह क्या है, उत्सर्जन पदार्थ होगा। ये एक परिभाषा लिखी है, उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा या उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाला एब्सेस पदार्थ उत्सर्जन पदार्थ कहलाता है। उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो एब्सेस पदार्थ हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन पदार्थ बोलेंगे। यदि हम प्राणी जगत की अगर हम बात करें, या सारे प्राणियों की या सारे एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो तीन प्रकार के उत्सर्जन पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो यूरिया,
दूसरा एमोनिया, तीसरा यूरिका बल, ये तीन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे कि मनुष्य की अगर आप बात करो, मनुष्य में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होती है। अगर आप उसमें छिपकली वगैरह में देखोगे या रेगिस्तान में जो टेंगस होते हैं, रेगिस्तान जिसमें वाटर कम पाया जाता है, उसमें कौन सा क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो आप निम्न श्रेणी के जो एनिमल्स की हम बात करें, जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा की बात कर लो, यूमिना की बात कर लो, सब फिशेज, कुछ मछलियाँ भी ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन पॉलिसी किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये तीन उससे भी पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको ये नोटबुक में उतार है, सबसे पहले आपको देखिए अपना सबसे अपर जो ऊपर वाला जो है उसका आपको संसद तंत्र आपको टॉपिक का है, क्षेत्र का नाम आपको लिखना है, ठीक है, क्षेत्र का नियम, ठीक है। चैप्टर की जो संख्या वो आपकी रेफरेंस बुक में देख लेना, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर को आपको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, ऑक्सेंट्री सिस्टम, उनके बाद में आपको परिभाषा लिखनी है, किसकी परिभाषा, उत्सर्जन की परिभाषा लिखनी है। उत्सर्जन की परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि हम भोजन के रूप में जो प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म या उपापचय के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, सिर्फ उपापचय प्रोटीन के ही करेंगे, ये याद रखना आपको, प्रोटीन उपापचय, बात ना है कि कार्बोहाइड्रेट है ना कि वसा है, सिर्फ प्रोटीन है। तो प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ जो बन रहा है हमारे शरीर में और उसको हम निकालते हैं भोजन से बाहर, तो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जब बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जीवों का एक मुख्य लक्षण होता है, ये मैंने लिखा है, जो प्राणी की सजीवता का लक्षण होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यदि जीव में उत्सर्जन हो रहा है वो क्या है, जीवन, या तो वो पेड़ पौधा होगा या फिर कोई प्राणी होगा। अब उत्सर्जी अंग, अब उत्सर्जी क्या है, प्राणी शरीर में पाया जाने वाला वह अंग जिसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। अब मनुष्य शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन सी है, इसमें आपको ये चार पांच अंगों के आपको नाम याद रखते हैं, किडनी है, त्वचा है, आहार है, फेफड़ा है, यकृत, ये क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे अंग आपस में किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम, ये हमने पढ़ा और इसी का हमने पढ़ी थी, ऊतक पढ़ा था, अंग पढ़े थे और सिस्टम या तंत्र पढ़ा था हमने। तो बहुत सारे अंग जब आपस में मिलेंगे और एक विशिष्ट कार्य का संपादन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। और ये यह तंत्र कौन सा काम कर रहा है, उत्सर्जन का काम कर रहा है, तो उत्सर्जन तंत्र हुआ है। एक होता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है, जिसको हमारे बॉडी में जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो हम उसको बाहर निकाले किसी न किसी रूप से, चाहे हम पसीने के रूप में बाहर निकालें या यूरिन के रूप में बाहर निकालें या अदर अपाचित भोज्य पदार्थ के रूप में हम बाहर निकालें, किसी न किसी रूप से बाहर निकालते हैं, तो वो क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। और प्राणियों की अगर हम बात करें, सभी प्राणियों की अगर हम बात करें, तो सभी प्राणियों में आपको तीन प्रकार का औषधीय पदार्थ आपको देखने को मिलेगा, यूरिया, अमोनिया और यूरिका, ये तीन, ठीक है। इसको मैं उत्सर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके आउटलाइन मैंने बनाया कि भोजन है, भोजन क्या होता है, यह भी मैंने आपको बताया कि जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और भोजन कैसे अंदर बना हुआ होता है, इसके जो तत्व होते हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके साथ साथ में विटामिन, मिनरल, साल या लवण, साथ में वाटर या जल, तो इसका जो सामूहिक रूप होता है उसी को हम बोलते हैं भोजन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पीछे भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि जो मार्केट में जितने भी सारे जो खाद्य पदार्थ आते हैं, चाहे वो चिप्स हो, कुकर हो या फिर कोई भी खाने में कोई भी चीज हो मार्केट में आ रही, उसमें एक लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल पे ही मिलेगा कि प्रोटीन कितनी परसेंट होती है, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, वसा इतना है, साल इतना है, और कोई फ्लेवर है तो वो इतना है, ये लेवल आपको उसमें मिलेगा। ये मैंने भोजन के बारे में बताया, भोजन है, कुआ है, कुआ में दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है, चबाने के बाद में वो भोजन काटा जाता है आवासी में। अगर हमें सिंपल खाए, सिंपल जैसे कि गल्कोज, हमने गल्कोज खाया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे हमने गल्कोज खाया, साधारण भोजन को खाया, तब तो आवासी में पाचन हो जाएगा। यदि हमने कोई वसा या घी वगैरह खाया तब उसका पाचन कहाँ पे होता है, आंत में होता है। तो यहाँ पे आंत में मैंने बताया कि जैसे कि प्रोटीन की बात नहीं है, इसी बात नहीं है, प्रोटीन की बात नहीं है, और इसकी बात नहीं लेंगे हम, सिर्फ प्रोटीन। यदि हमने भोजन के साथ में हमने प्रोटीन खाई, जैसे हमने मान लीजिए दाल खाई, दाल में क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो उस
प्रोटीन का पाचन पांचवें होता है, पांचवें होता है। तो कौन सा एंजाइम आता है? पेप्टिडेज, ठीक है, या प्रोटीएज एंजाइम बोल सकते हैं इसको, प्रोटीएज लिख सकते हो आप, प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। जब प्रोटीन का पाचन होता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में, तब इसका निर्माण होता है एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, और एमिनो अम्ल हमारे ब्रेन के माध्यम से पत्ते कोशिका में जाता है, कोशिका में क्या होता है एमिनो अम्ल का उपाधि होता है, जिसकी फसल क्या बनती है, यूरिया बनती है, और यूरिया वापस कहां पे आती है, किडनी में आती है, और किडनी क्या करे उस यूरिया को वाटर के साथ मिक्स कर बॉडी से बाहर निकालती है, ये मनुष्य की बात है, ठीक है। ये हो गया उत्सर्जन के बारे में, ये आप उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जन भोजन के बारे में पूरी प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बनानी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में, एक बात दुनिया में प्राण का वर्गीकरण, प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है, यहां पर मैं ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं करूंगा। तो प्राणियों का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं यहां पर, इसके आधार पर उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर, और आय आपने क्या रखा है, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर, ठीक है ना, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। पीछे हमने प्राणियों का वर्गीकरण मैंने आपको बहुत सारे बताए, अलग अलग आधार पर प्राणियों को हमने अलग अलग बांटा था, जिसके पीछे हमने देहगुहा, सममिति, ब्लास्टोफोर का भविष्य, विडलर, संखंड, बहुत सारे बेसिक हमने पढ़े, जिसके आधार पर प्राणियों को वर्गीकरण करे। लेकिन यहाँ पे प्राणियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर हमने लिख दिया प्राणी, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आधार आप पूछ सकते हो उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ में सबसे पहला प्रकार आता है एमोनोटेरिक, एमोनोटेरिक, दूसरा इसका प्रकार आता है यूरियोटेरिक, ठीक है, और तीसरा इसका प्रकार आता है यूरिकोटेरिक, ये इसके तीन प्रकार है, एमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक एंड यूरिकोटेरिक। भाई कोई भी प्राणी है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा किसका उत्सर्जन कर रहा है, जिसका उत्सर्जन वो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जित पदार्थ। तो कौन से उत्सर्जित पदार्थ का वो शरीर से बाहर निकल रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, उसके आधार पर आप प्राणियों के तीन ग्रुप बनाए गए, पहला एमोनोटेरिक, दूसरा यूरियोटेरिक, तीसरा आता है यूरिकोटेरिक, इन तीन, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम कल बात करेंगे, आज तो जैसा कार्य था, आज का जो काम मैंने आपको बताया वो काम अपनी नोटबुक बायोग्राफी में अच्छी सी बुक डाले, नोटबुक डाले, और उसमें आपको ये जितना काम, डेढ़ पेज जितना भी काम है, ये काम आपको करना है। तो इसी के लिए जो मैंने आपको आप बताया, इस वीडियो को आप दो या तीन बार जरूर देखना, उसमें जो भी आपको बताया वो आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं कल डालता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, आप लिखते भी भेज सकते हो, आप नंबर, आप एडमिशन के नंबर भी आपके पास है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट बाई फोन के द्वारा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उस ग्रुप में आप डाल सकते हो, उसमें भी आप लिख सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, हम फिर से आपको वीडियो बना लेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कुछ बात, हम आप उस टॉपिक का फिर से कोई अच्छा सा वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, ठीक है।